हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो क्लास 9 पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज का यूनिट्स और मेजरमेंट के लेवल 1 के क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हम एक पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए। अभी इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सारे नहीं करेंगे। इसमें वर्नियर, कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगा। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कर दूं जो बहुत ईजी हो, उसको अलग से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी थ्योरी आपका बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो जो क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करना था मुझे। वैसे ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, आप सोल्यूशन देख के भी कर सकते हैं, सोल्यूशन में नहीं है लेकिन कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज मोस्ट प्रिसाइज। मोस्ट प्रिसाइज वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, प्रीसीजन, प्रिसाइज, ये प्रिसाइज एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसाइज का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा कोई फिजिकल क्वांटिटी को, वो सबसे छोटा कौन से वैल्यू को मेजर कर सकता है, सबसे कम जो सबसे छोटे वैल्यू को मेजर कर पाएगा वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। सबसे ज्यादा प्रिसाइज होने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा एक्यूरेट होगा, हो सकता है उसमें कोई खराबियां हो, उसमें कुछ खराबी हो उस इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जितना छोटा से छोटा वैल्यू को मेजर कर सकता है वो उतना ज्यादा वो क्या होगा, प्रिसाइज होगा। दैट इज, अगर इस पहले क्वेश्चन में देखें, पहले ऑप्शन में दिया हो 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन से ही लग रहा है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को ये मेजर कर सकता है। 5 सेंटीमीटर के बाद सीधे क्या मेजर करेगा वो, 6 सेंटीमीटर को। दैट इज, इसका लीस्ट काउंट आपके पास 1 सेंटीमीटर है। दूसरा क्या है, 5.00 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट के बाद दो जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट है। जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों जगह डिस्कशन होता है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद दो जीरो देने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है इसके लेंथ को, इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, 5.00 सेंटीमीटर के बाद ये क्या मेजर कर सकता है, 5.01 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? तो लिखने के तरीके से आप समझ सकते हैं। सी में क्या बोला, 5.30 सेंटीमीटर, मतलब 30 नहीं, 3 जीरोज है ना। इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 5.000 के बाद ये 5.001 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है। मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर वहीं पे मैं लिखूं 5000, तो इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की अलग कहानी है, जो मेरे लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्लास 11 कभी करा दिया हूं, ठीक है। डी में क्या बोला, 5.0050 दिया है, 5.00 सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट तो भयानक हो गया, 0.00001 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे कम लिस्ट काउंट किसका हुआ, ऑप्शन डी का। तो ऑप्शन डी का लिस्ट काउंट क्योंकि सबसे कम है, और जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो इन चार ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा प्रिसाइज ऑप्शन डी है, ठीक है। चलो, 25 भी आप कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर भी मेजर कर सकते हैं, मीटर जो भी, इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ। 26 में आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं जिसको आप समझ पाएंगे, या आप खुद भी समझ सकते हैं जो, तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा है। मेरा ज़्यादा क्लियर होगा तब जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। 26 बहुत ईजी है। 26 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ टू पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ। लेंथ सेम है, दो अलग अलग पेंडुलम्स हैं, एक पेंडुलम ए एक पेंडुलम बी है, उनके टाइम पीरियड 2 सेकंड्स एंड 3 सेकंड्स गिवन है। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द टू प्लैनेट्स, अलग अलग प्लैनेट में रखा हुआ है। दैट इज, टाइम पीरियड ए का दिया हुआ है 2 सेकंड, टाइम पीरियड बी का दिया हुआ है 3 सेकंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड ए और टाइम पीरियड बी की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/3। इसका फॉर्मूला क्या था टाइम पीरियड का, 2π अंडर रूट लेंथ बटे ग्रेविटी। ग्रेविटी किसका, ए जिस प्लैनेट में, देख लिया जाएगा, बटे 2π लेंथ बी जी। बी का मतलब कहाँ पे है वो, दूसरे प्लैनेट, ए अलग प्लैनेट में और बी अलग प्लैनेट में, दोनों प्लैनेट्स के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज के रेशियो को निकालना है, ठीक है। 2π हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेंथ आर सेम, तो लेंथ भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, 1/GA स्क्वायर रूट, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो जी भी ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3। दैट इज, दोनों का अगर स्क्वायर रूट में कर दें तो जी बी और जी ए का स्क्वायर रूट किसके बराबर हुआ, 2/3। हमको एक्चुअली रेशियो जो चाहिए वो ए और बी का चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जी ए और जी बी का रेशियो का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2/3। आई एम सॉरी, इधर भी अगर हमने रेसिप्रोकल किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो जी ए और जी बी का जो रेशियो है, यहाँ स्क्वायर रूट है, उधर स्क्वायर हो जाएगा,
थ्री बाई टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर फोर, तो क्या आंसर होगा, नाइन इज टू फोर, ऑप्शन ए करेक्ट। उतार लीजिए तो आप गलती से फोर इज टू नाइन निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले अगर ऐसे ही आप निकालते जाइएगा तो बी और ए का रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 हुआ, आप अपनी किताब में अगर इसका अलग नंबरिंग है तो आप देख लीजिएगा, आपको जब क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ तो समझ आ ही जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में डिस्कशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ईजी है, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, जी अगर कॉन्स्टेंट होगा तो टी प्रोपोर्शनल होगा किसका, स्क्वायर रूट ऑफ एल का, तो टी और एल के बीच अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक को लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस में, एक को लेना पड़ेगा वाई एक्सिस में, तो ऑप्शन में कह रहा है, कह रहा है कि एल को एक्स में लेना है और टी को वाई में, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। दो अगर क्वांटिटीज हैं, दोनों का वेरिएशन हो रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो एक को लेना पड़ेगा किस में, एक्स एक्सिस में, एक को लेना पड़ेगा वाई एक्सिस में, किसी एक को ले सकते, दोनों सही है। ठीक है, 29 देखते हैं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का मतलब ये है कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होगा। ठीक है, हैविंग अ लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब कितना मीटर, 1 मीटर, और इसका जो सेकंड पेंडुलम टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड्स, तो क्वेश्चन में कह रहा है जी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, तो आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो टाइम पीरियड 2 सेकंड हो गया, टू पाई अंडर रूट एल, एल तो हमारा गिवन है 1 मीटर, जी का वैल्यू निकालना है, तो 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये रूट जी इस पार आएगा तो रूट जी हो गया, इज इक्वल टू पाई इंटू रूट वन, रूट वन क्या रहेगा, समझ रहे हैं, जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट है इधर स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो जी आया पाई स्क्वायर, और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर होगा पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों होगा मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चूंकि सारी चीज़ें हमने एसआई में ली, तो आंसर भी किस में आएगा, एसआई में आएगा। ठीक है, चलिए 28 हो गया, 29 हो गया, 28 हो गया, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, 30 वर्नियर कैलिपर का अलग से करना पड़ेगा डिस्कशन, थोड़ा टफ हो जाता है वो, है ना, 31 में आते हैं, 31 में क्या कह रहा है, द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 1% एंड एल परसेंट एंड बी परसेंट, एल परसेंट एंड बी परसेंट, तो लेंथ में एल परसेंट है और ब्रेथ में बी परसेंट है, तो एरिया में क्या होगा, तो एरिया का फॉर्म लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको याद रखना है जब भी आप प्रोडक्ट की बात करेंगे, दोनों का अलग अलग एरर्स गिवन है, तो इसके जो परसेंटेज एरर्स हैं अगर आप दोनों का निकालेंगे तो एरिया का अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे तो इसका और इसका जो परसेंटेज एरर्स है वो ऐड हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन द परसेंटेज एरर्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया विल बी, तो परसेंटेज एरर इन ए बराबर होगा परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन बी, तो क्या है, एल में एल परसेंट है और बी में बी परसेंट है, तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी परसेंट। ठीक है, एल प्लस बी परसेंट, ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 32 ये भी हमारा वर्नियर कैलिपर्स का बन सकता है लेकिन मैं बना नहीं रहा हूँ। 33 भी अलग क्वेश्चन है। 34 35 बन जाएगा, स्मॉलेस्ट वेट मेजर करता है कौन, फिजिकल बैलेंस 0.001 ग्राम, 1 मिलीग्राम मेजर करता है, बहुत ईजी है वो, तो इन क्वेश्चंस पे डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में सीधे आते हैं, क्या कह रहा है 41, द लेंथ ऑफ टू सिंपल पेंडुला आर, द लेंथ ऑफ टू सिंपल पेंडुला आर 2:3, तो दो पेंडुलम्स है L1 और L2, इसका रेशियो कितना गिवन है 2/3, एंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ टू प्लेसेस वेयर दे आर सेट अप इज 3:2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज का जो रेशियो है वो क्या है 3:2, द रेशियो ऑफ दियर फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 का रेशियो मांगा, तो आप जान लीजिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो फ्रीक्वेंसी अगर करेंगे तो क्या होगा 1 बाई टाइम पीरियड, तो हो जाएगा 1/2 पाई, जी ऊपर चला जाएगा एल नीचे आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो मांगा है, तो F1 और F2 का रेशियो, F1 F2 का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 पाई अंडर रूट G1/L1 बटे 1/2 पाई अंडर रूट G2/L2, 1/2 पाई 1/2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या करेंगे सारे स्क्वायर रूट में आ जाएगा G1/L1, L2 ऊपर चला जाएगा बटे G2, तो मैं अगर लिखूँ G1/G2 और नीचे L1/L2 ऐसा लिख सकता हूँ, और हमें पता है G1 और G2 का रेशियो कितना गिवन है 3/2, और L1 और L2 का रेशियो भी कितना है 2/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/2 इंटू 3/2, 3 और 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 टू 4, 4 का 2, तो आंसर होगा F1 और F2 का रेशियो 3:2,
ये फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है, टाइम पीरियड्स का नहीं। टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलते हैं आगे। फोर्टी वन हो गया। 42 पेंडुला एक्स ए इज एक्स सेंटीमीटर शॉर्टर देन ए सेकंड पेंडुलम एंड पेंडुलम बी इज एक्स सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम के बारे में हम लोग अभी जाने के लेंथ 100 सेंटीमीटर होता है। किसका? सेकंड पेंडुलम, ठीक है। तो बोला पेंडुलम ए, लेंथ ए पेंडुलम मतलब लेंथ पेंडुलम ए का कितना है? शॉर्टर है एक्स सेंटीमीटर, 100 से एक्स कम है, और बी का एक्स सेंटीमीटर ज़्यादा है, 100 प्लस एक्स है, बहुत अच्छी बात है। द रेशियो ऑफ द ईयर टाइम पीरियड्स इज 3:4। टाइम पीरियड ए और टाइम पीरियड बी का जो रेशियो है वो 3:4 है, बहुत अच्छी बात है। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम विथ हायर फ्रीक्वेंसी, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो मैं अगर फ्रीक्वेंसी ए और फ्रीक्वेंसी बी का रेशियो निकालूँ तो यह होगा 4/3। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा? ए का। तो आपको लेंथ ऑफ ए मांगा है तो निकाल लेंगे। तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2π अंडर रूट एल ए बाई जी ए बटे 2π अंडर रूट एल बी बाई जी बी इज इक्वल टू 3/4। 2π कैंसिल तो हो जाएगा हमारा एल ए कितना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन नहीं किया, मतलब एक ही बात, एक ही प्लैनेट बात हो रही थी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एल ए और एल बी का जो रेशियो है उसका रूट कितना आया? 3/4। एल ए कितना है? 100 माइनस एक्स। एल बी कितना है? 100 प्लस एक्स। स्क्वायर रूट उस पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स बटे 100 प्लस एक्स बराबर 9/16। बस इसको सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा हमारा? इसको सॉल्व करेंगे तो इसको उतार लीजिए आप अच्छे से, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 16x इज इक्वल टू 900 प्लस 9x, ओके। तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 900 इज इक्वल टू माइनस 16x उसमें प्लस 16x प्लस 9x, ये हो जाएगा हमारा 700 इज इक्वल टू 25x। तो एक्स इज इक्वल टू 25 दूना 50, 28 आया। एक्स 28 आया तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 100 माइनस 28, 10 में 8 गया तो 72 सेंटीमीटर, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं था, ओके। चलिए 42 हो गया, 43 में आते हैं। 43 क्या कह रहा है? 43 कह रहा है इफ द सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन को डिफाइन कर रहा है फोर्स बटे लेंथ। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। लेंथ का मीटर, या इसी को लिख सकते हैं किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे मीटर। मीटर मीटर कैंसिल तो कितना आया? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा इसके यूनिट से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसमें है वर्क इनटू वॉल्यूम इन स्पीड। वर्क इनटू वॉल्यूम इनटू स्पीड, वर्क है वॉल्यूम है, तो वर्क का क्या होता है? जूल, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, स्पीड का मीटर पर सेकंड। जूल का क्या होगा? किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आप जान लीजिए इसको, तो जानते ही होंगे शायद, मीटर क्यूब मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब मीटर 6 हो जाएगा, और सेकंड -2 -1 -3 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है। बी में देख लेते हैं, बी क्या है हमारा? बी में कह रहा है वर्क इनटू वेलोसिटी बटे वॉल्यूम। वर्क इनटू वेलोसिटी बटे वॉल्यूम, तो वर्क का क्या होगा? वही किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड बटे वॉल्यूम का मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, किलोग्राम सेकंड -1 -2 -3 हो जाएगा, या -2 है, ये भी गलत है। सी में क्या बोला है? सी में वर्क इनटू वेलोसिटी बटे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वर्क का क्या होगा अभी जाने? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? मीटर पर सेकंड, ये मीटर क्यूब पर सेकंड होगा। मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर क्यूब कैंसिल, सेकंड माइनस वन कैंसिल, तो बचा किलोग्राम पर सेकंड। सॉरी, यही सही है, उसके बाद भी कर सकते हैं, ईजी ही है, ठीक है, उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, आप देख लीजिएगा। डन, चलिए
तो क्या देख लें लास्ट क्या है, वर्क इन वर्क बाय टाइम इनटू वॉल्यूम बाय वेलोसिटी, वर्क बाय टाइम इनटू वॉल्यूम बाय वेलोसिटी। वर्क का क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का सेकंड, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड सेकंड कैंसिल, मीटर स्क्वायर मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर मीटर, थ्री मीटर पे पावर तीन दो पाँच, एक खत्म हो जाएगा, मीटर पे पावर चार, ये भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ आया लेकिन उसके इक्वल नहीं आया यूनिट में। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, 44 क्या कह रहा है, 44 क्वेश्चन कह रहा है, इफ ईच ऑफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसीज आर डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैज द यूनिट्स ऑफ मास बिकम। तो मास का पहले रिलेशन आपको जानना है फोर्स वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ। मान लेते हैं मास किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड कर रहा है हमारा फोर्स पर, वेलोसिटी पर, और किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। तो देखिए हमने ऐसा क्यों किया, मास प्रोपोर्शनल किया फ्रीक्वेंसी का, बट किस तरह से डिपेंड कर रहा है इसके बारे में पता नहीं। मान लेते हैं मास प्रोपोर्शनल है 1/f का, इसका मतलब मास प्रोपोर्शनल होगा f पे पावर माइनस 1 का, तो f पे पावर हमें नहीं पता है, तो f का पावर हम x मान लेते हैं, v पे पावर y मान लेते हैं, और f पे पावर z मान लेते हैं। तो प्रोपोर्शनल हटा के देने, हटाने से कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है ये, f पे पावर x, वॉल्यूम पे पावर y, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। अब इसमें क्या कर रहे हैं, मास का भी डायमेंशन निकालेंगे और इधर पूरे का डायमेंशन निकालेंगे, उसके बाद इक्वेट कर देंगे। मास का डायमेंशन m होगा बस, और k तो डायमेंशनलेस है, फ्रीक्वेंसी का mlt माइनस 2 जानते ही होंगे आप, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, दैट इज ये क्या होगा lt, इस पे पावर x, lt माइनस मीटर पर सेकंड, उस पे पावर y, फ्रीक्वेंसी का 1 बाय टाइम पीरियड, t पे पावर माइनस 1, उस पे पावर क्या होगा z, बहुत सिंपल। मैं लिख सकता हूँ m पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, l पे पावर 0, t पे पावर 0, क्यों, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 × 1 1 ही रहेगा। m पे पावर x है ना, उसके बाद यहाँ m है ही नहीं, और l पे पावर x, l पे पावर y है, तो x प्लस y, t पे पावर माइनस 2x, और यहाँ पे क्या है माइनस y, और यहाँ क्या है माइनस z, सबको एक साथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 तभी तो इक्वल होगा, x प्लस y का वैल्यू 0, और x 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस y बराबर 0, तो y आ जाएगा माइनस 1। उसी तरह से माइनस 2x माइनस y माइनस z इक्वल टू 0, माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 माइनस y, यहाँ माइनस 1 पुट कर देना, माइनस z इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 1 माइनस z इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, और माइनस z उस पर z, तो z कितना आया माइनस 1, और y कितना आया माइनस 1, और x कितना आया 1, तो क्या क्या आया बताइए, x 1 y माइनस 1 और z माइनस 1, मुझे लगता है आपको क्लियर दिख रहा होगा। ओके चलिए अब अगर हम मास का फॉर्मूला को लिखें तो ये आया कांस्टेंट है, एक डायमेंशन लेस, फोर्स पे पावर x है 1, और वेलोसिटी पे पावर माइनस 1 जो कि y माइनस 1 है, फ्रीक्वेंसी पे पावर z माइनस 1, तो मास बराबर हो गया k f बाई वी एफ, तो ये हो गया मास। मास नया वाला मास डैश मान लेते हैं, इसमें बोला है कि फोर्स को डबल कर दिया जाए तो डबल कर दिए, वेलोसिटी को डबल करना है डबल कर दिए, फ्रीक्वेंसी को डबल करना है इसको भी क्या कर दिया डबल कर दिए, ये फ्रीक्वेंसी है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो मास डैश कितना आया 1/2 के एफ बाई, आई एम सॉरी ये तो वेलोसिटी, ठीक है, के एफ बाई वी एफ, यहाँ पे के बाई वी एफ है मास, तो ये हो जाएगा मास बाई 2, तो पहले से अभी जो नया वाला मास हुआ कितना हो गया m बाई 2, दैट इज हाफ्ड हो गया, क्या हो गया हाफ्ड हो गया। तो ये बहुत ही सुंदर सा एक्सप्लेनेशन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ आया होगा। ओके तो जितने क्वेश्चंस बच गए इसके लिए आप वेट करें, मैं भी इस पे मेहनत करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको कर पाऊँ, और आप अपनी मेहनत ये करें कि डिस्क्रिप्शन चेक करें, और आपके कंट्रीब्यूशन से चीज़ें आगे बढ़ती है, तो आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।